जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर एक बार मिल रहे हैं हम लोग RSpur में एक ऑब्जेक्टिव डिस्कशंस के लिए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग का 241 क्वेश्चंस तक हो गया था, जहाँ तक कि देखता हूँ एक सेकेंड, ये हाँ बेंडिंग स्ट्रेसेस तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग 242 क्वेश्चन नंबर से यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग का डिफ्लेक्शन ऑफ बीम और टॉर्सनल इक्वेशन जो है कवर हो जाएगा। देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। 242 क्वेश्चन नंबर, देखिए 242 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। अ फ्लिश्ड बीम इज यूज्ड टू, बोल रहा है अ फ्लिश्ड बीम इज यूज्ड टू। तो ये फ्लिश्ड बीम क्या करता है, इसका ध्यान रखना है, टू इक्वलाइज स्ट्रेंथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन। जो कोई भी टेंशन और कंप्रेशन होता है, जो भी स्ट्रेंथ जो होता है कोई भी टेंशन और कंप्रेशन का, उसको इक्वलाइज करता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लिश्ड बीम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 243 नंबर। यहाँ से हम लोग का डिफ्लेक्शन का शुरू हो रहा है क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोग का डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होने वाला है। तो जिस प्रकार से मैंने शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मैंने अलग अलग करके सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम का अलग अलग लोड पे मैंने आपको SFD BMD बताया था, उसी प्रकार मैं पहले डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम में अलग अलग लोड पे डिफ्लेक्शन क्या होगा और कैंटिलीवर बीम में अलग अलग लोड पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, वो पहले मैं एक बार आपको कवर करवा देता हूँ, ताकि जितने भी आगे क्वेश्चन है आपका तुरंत सॉर्ट आउट हो जाए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम का देखेंगे। सिंपली सपोर्टेड एक तरफ लोड लिखूंगा और एक तरफ डिफ्लेक्शन जो हम लोग का आएगा वो डिफ्लेक्शन। चलिए देखते सबसे पहले पॉइंट लोड के केस में, पॉइंट लोड के केस में मतलब कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और एक पॉइंट लोड लग रहा है वो भी सेंटर पे, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग का यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन में। ठीक, तो जो डिफ्लेक्शन हो जाए हम लोग का WLQ बाई 48 EI। ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट लोड जो है हम लोग का, नेक्स्ट लोड जो है इसेंट्रिक लोड, इसेंट्रिक लोड, इसेंट्रिक लोड, इसेंट्रिक लोड मैंने बार बार बताया है, सेंटर से जो हट करके लोड लगता है उसको हम लोग कहते हैं इसेंट्रिक लोड। ये सेंटर पे हम लोग का जो है, हम लोग का लोड नहीं है, कहीं सेंटर से जो है हट करके हम लोग का लोड लग रहा है उसको हम लोग कहते हैं इसेंट्रिक लोड। यहाँ पर क्या है, अगर इस डिस्टेंस को ले लें तो ये ए है और ये बी है। ठीक, तो इसका जो डिफ्लेक्शन हो जाता है हम लोग का, यहाँ पे जो इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा, चूंकि ए और बी अलग अलग डिस्टेंस पर है यहाँ पर, इसलिए इसका जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, WA² BA² / 3EI। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको, WA² BA² / 3EI, और इसका जो लेंथ है वो भी होगा, लेंथ छूट गया था, 3EIL। ठीक, इसमें एक चीज़ और पूछता है, इसमें जो है एक चीज़ और पूछता है, चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं इस कंडीशन में, एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चूंकि बी इज ग्रेटर देन ए है, आप लोगों को दिख रहा होगा बी इज ग्रेटर देन ए है, तो इस कंडीशन में पूछता है कि जो हम लोग का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, कहीं अगर इसको ए मान लेते हैं, ये बी है और ये सी है, ये बी है, ये ए बी और सी है, तो हम लोग का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहीं बी और सी में लाई करेगा, यही होगा ना, कहीं पे भी हम लोग का जो डिफ्लेक्शन लाई करेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बी और सी पे लाई करेगा। चूंकि यहाँ पर बी जो है ग्रेटर देन ए है, तो एक कंडीशन एग्जिस्ट करेगा, जो उस पॉइंट को निकाला जाता है उसको हम एक्स डिनोट कर रहे हैं,
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, x इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई थ्री, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई थ्री जो है x से डिनोट करेंगे। तो उस कंडीशन में जो है, इस कंडीशन में हम लोग का जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा बाई मैक्स, इस कंडीशन में जो हम लोग का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा y मैक्स इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का w इंटू ए बाई नाइन रूट थ्री, नाइन रूट थ्री ई आई एल अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई थ्री। ठीक, ये चीज, या तो इसको अगर अंडर रूट को हटाना है तो इस तरीके से जो बुक में दिया हुआ हम लोग का डब्ल्यू इंटू ए बाई नाइन रूट थ्री, नाइन रूट थ्री ई आई एल एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर पावर थ्री बाई टू, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का इसेंट्रिक लोड में जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट लोड पे चलते हैं, एक नया पेज ले लेता हूँ। इसेंट्रिक लोड हो गया, अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल देखते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा। यूडीएल के केस में जो है हम लोग का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा फाइव डब्ल्यू एल क्यू, फाइव डब्ल्यू एल क्यू बाई थ्री एटी फोर, थ्री एटी फोर ई आई। ठीक, ये जो है यूडीएल के केस में होगा, यूडीएल केस में क्या होगा फाइव डब्ल्यू एल क्यू बाई थ्री एटी फोर ई आई, ये यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट रहेगा। तो मतलब कि पूरे जो है कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर थ्रू आउट लेंथ पर जो हम लोग का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगर रहेगा तो उस कंडीशन में यूडीएल जो हो, यूडीएल का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जो डिफ्लेक्शन हम लोग का आएगा वो होगा फाइव डब्ल्यू एल क्यू अपॉन थ्री एट्टी फोर ई आई। ठीक, अब जो एक इसमें और एक जो लास्ट क्वेश्चन, इसमें एक जो और लास्ट लोड ले हम लोग का यू वी एल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में हम लोग का जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो होगा 0.00652 डब्ल्यू एल क्यू बाई ई आई, ये हम लोग का यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में जो है हम लोग का डिफ्लेक्शन होगा। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में हम लोग का जो डिफ्लेक्शन होगा सिंपली सपोर्टेड बीम में वो हम लोग का हो जाएगा 0.00652 डब्ल्यू एल क्यू बाई ई आई। ठीक, ये था सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हम लोग का जो है डिफ्लेक्शन क्या क्या होगा अलग अलग लोड पे। कैंटिलीवर बीम का भी साथ साथ में देख लेते हैं, यहाँ पे कैंटिलीवर बीम का कैंटिलीवर बीम उसी तरह लिख रहा हूँ, एक तरफ लोड और एक तरफ डिफ्लेक्शन। लोड कैंटिलीवर बीम में सबसे पहले जो लोड आएगा हम लोग का, कैंटिलीवर बीम में जो लोड आएगा हम लोग का सबसे पहले फ्री एंड पे जो लोड है, लोड एट फ्री एंड, लोड एट फ्री एंड, कुछ इस प्रकार। कैंटिलीवर बीम हम लोग का वन एंड फिक्स वन एंड फ्री, तो जो हम लोग का फ्री एंड पे जो डब्ल्यू है थ्रू आउट द लेंथ पे, तो हम लोग का जो है डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग का डब्ल्यू एल क्यू बाई थ्री ई आई, थ्री ई आई। ठीक, हम लोग का जो लोड एट फ्री एंड के केस में कैंटिलीवर बीम में हम लोग का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन डब्ल्यू एल क्यू अपॉन थ्री ई आई। अब देखिए सेकेंड केस लोड में आता है हम लोग का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट द लेंथ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट द लेंथ।
ये डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। ठीक, इस केस में हम लोग का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू एल क्यू बाई ए टी आई। ठीक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 EI। एक कंडीशन और इसमें पूछता है, इसमें जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग का यूडीएल था, तो ये इस कैंटिलीवर बीम में एक और क्वेश्चन पूछता है पार्शियल यूडीएल के केस में, पार्शियल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में। पार्शियल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहने का मतलब है कि आधा बीम पे पार्शियल लोड लग रहा है, बाकी बात जो है फ्री है, कुछ इस प्रकार लग रहा है डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। ठीक, मतलब आधा या फिर कुछ आधा से कम या फिर कुछ आधा से ज्यादा लग रहा होगा, मतलब पार्शियल यूडीएल लोड के केस में हम लोग का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, तो हम लोग का डिफ्लेक्शन जो हो जाता है 7 WL³ अपॉन 384 EI, 384 EI। ठीक, ये पार्शियल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में कैंटिलीवर बीम में है एक एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे बनता है। ठीक, आइए इसका जो है लास्ट एक जो क्वेश्चन है हम लोग का, यूवीएल के केस में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में हम लोग का जो डिफ्लेक्शन आएगा डब्ल्यू एल क्यू बाई 30 EI, डब्ल्यू एल क्यू बाई 30 EI। आप लोग ध्यान रखिए, जितना भी मैं डब्ल्यू लिख रहा हूँ वो कैपिटल है, स्मॉल नहीं है। अगर स्मॉल डब्ल्यू लिख रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू लिखना, कैपिटल डब्ल्यू वेट पर यूनिट वॉल्यूम लेंथ होता है, तो डब्ल्यू इक्वल डब्ल्यू इंटू एल हो जाता है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल। तो इस कंडीशन में अगर डब्ल्यू, अगर स्मॉल डब्ल्यू निकालना है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इंटू एल अगर लिखेगा यहाँ पर, तो डब्ल्यू इंटू एल और एल क्यू पहले से है, तो इस कंडीशन में स्मॉल डब्ल्यू लिखने का मतलब है डब्ल्यू एल टू दी पावर 4/30 EI हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन में भी ये बहुत परेशान करेगा, तो छोटा डब्ल्यू और बड़ा डब्ल्यू देख कर करके वो ध्यान दे करके आपको ऑप्शन को टिक करना है, नहीं तो आप जो है गलत ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक, तो ये कैंटिलीवर बीम का केस था। एक दो क्वेश्चन आता है हम लोग का फिक्स्ड बीम के केस में, एक दो क्वेश्चन जो है हम लोग का फिक्स्ड बीम के केस में आता है क्वेश्चन। फिक्स्ड बीम मैंने आपको बताया है वैसा बीम जो दोनों एंड से फिक्स्ड हो, फिक्स्ड बीम मैंने आपको बताया था SFD BMD में, जो दोनों एंड से जो हम लोग का बीम फिक्स्ड हो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड बीम। ठीक, तो फिक्स्ड बीम में देखते हैं लोड हम लोग का क्या क्या हो जाएगा। फिक्स्ड बीम के केस में जो हम लोग का लोड क्या हो जाएगा, लोड एट सेंटर, लोड एट सेंटर, लोड एट सेंटर केस में, लोड एट सेंटर केस में हम लोग का जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा हम लोग का डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 192 EI, 192 EI। जब हम लोग का सेंटर पे लोड रहेगा कोई फिक्स्ड बीम में, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यू बाई 192 EI। एक दूसरा कंडीशन बनता है, एक दूसरा कंडीशन बनता है हम लोग का यूडीएल का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड करा था डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 384 EI, 384 EI। तो ये चीज़ फिक्स्ड बीम के केस में आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन हम लोग क्या के बोल रहा था वो आते हैं। चलिए 243 नंबर से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। बोल रहा है ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ लेंथ एल सपोर्टेड एट इट्स टू एंड, एक मिनट थोड़ा इसको करने दीजिए यहाँ पर। हाँ, बोल रहा है अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ लेंथ एल सपोर्टेड एट इट्स टू एंड कैरीज अ सेंट्रल लोड डब्ल्यू द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ओवर साइड। तो ये पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है, जो मैंने बताया सिंपली सपोर्टेड बीम में पूछ रहा है अगर कोई लोड जो है डब्ल्यू सेंटर पर, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ हो, तो जब W सेंटर पर ही लग रहा था डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, मैक्सिमम सेंटर पे ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब हम लोग का लोड बीच में लग रहा है तो डिफ्लेक्शन जो है दबाव ज़्यादा कहाँ बनेगा, सेंटर पे ही। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सॉरी ये
बी लिखा गया, सी एट द सेंटर पे होगा। ठीक, जब भी कोई बीम जो सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग का लोड सेंटर पे लग रहा है तो उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, सेंटर पे ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फिगर दिया हुआ उसके अनुसार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक्चुअली जो है ये मैंने बताया पहले भी, इसेंट्रिक लोड का केस दिया हुआ। ये जो फिगर है हम लोग का इसेंट्रिक लोड का केस है, उस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए, देखते हैं। बोल रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल कैरीज अ पॉइंट लोड डब्ल्यू एट अ पॉइंट सी एज शोन इन फिगर, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लाइन। बोल रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम है ए और बी, उसमें सी जो है यहाँ पर इसेंट्रिक लोड लग रहा, तो उसके से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा। तो मैंने पहले ही बताया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बी और सी के बीच में कहीं होगा, इसका डी नंबर जो है सही होगा। ठीक, 245 देखिए, बोल रहा फॉर अ बीम एज शोन इन फिगर 2.45 द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज, पूछ रहा है इस लोड के लिए इस टाइप का लोड के लिए जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम लोग का डब्ल्यू स्क्वायर बाई डब्ल्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3EIL होगा। तो नहीं, मैंने क्या बताया था, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम लोग का होगा, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम लोग का होगा डब्ल्यू इंटू ए बाई 9√3EIL एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 होगा, जो कि ये इसमें जो ये सी नंबर दिया वो चीज होता है। ठीक, तो ये जो हम लोग का फॉल्स हो जाएगा, इसका आंसर जो हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा है फॉर अ बीम एज शोन इन फिगर 2.45 द डिफ्लेक्शन एट सी, सी पर डिफ्लेक्शन पूछ रहा है यहाँ पर, सी के केस में डिफ्लेक्शन पूछ रहा है। तो सी के केस में मैंने आपको डिफ्लेक्शन बताया हुआ डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 3EIL बी नंबर इसका सही होगा। ये मतलब जस्ट इसका उल्टा दे दिया है कि डब्ल्यू स्क्वायर बी स्क्वायर 3EIL मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे दिया है कि यह होगा, तो नहीं ये गलत है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब भी पूछे इसेंट्रिक लोड के केस में तो हम लोग का डब्ल्यू इंटू ए अपॉन 9√3EIL इंटू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3/2। यहाँ पर ए दिया हुआ है, अपन 9 होगा तभी ये उत्तर सही होगा। ठीक, और अगर सिर्फ डिफ्लेक्शन पूछे सी पर जो कि जहाँ पे लोड लग रहा है उस कंडीशन में डब्ल्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 3EIL होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 247 नंबर बोल रहा फॉर अ बीम एज शोन इन फिगर 2.45 द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लाइज एट, पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ लाया करेगा। हम लोग तो जान रहे हैं कि बी और सी पे लाया करेगा, लेकिन बी और सी पर कहाँ लाया करेगा, देखते हैं बी और सी पर कहाँ लाया करेगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ये पूछ रहा है। तो मैंने बताया था कि एक्स इक्वल टू जो हम लोग का लाया करेगा डिफ्लेक्शन अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3 है ना, ये लाइक करेगा। तो देखिए फ्रॉम ए और फ्रॉम बी दिया हुआ, तो बी से लाइक करेगा ना, ए से कैसे लाइक करेगा, क्योंकि बी और सी के बीच में है तो हम लोग का बी से यहाँ पर लाइक करेगा। तो हम लोग का सी नंबर जो है सही उत्तर होगा इसका, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3 फ्रॉम बी। ठीक, आइए नेक्स्ट 248 नंबर देखिए क्या कर रहा, उसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ये जो हम लोग का ए बी सी, ये ए ये बी दिया था, यही था क्वेश्चन। बोल रहा ये जो लोड डब्लू है, ये जो लोड डब्लू है इसेंट्रिक में न रह करके अगर हम लोग इसको सेंटर पर ला दें तो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा। जो मैंने फर्स्ट केस बताया था लोड एट सेंटर केस में सिंपली सपोर्टेड बीम में उसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 ई आई जो हम लोग का ए नंबर जो है सही होता है। 249 आइए, बोल रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल इज लोडेड विथ अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सिंपली सपोर्टेड बीम है कोई, बोल रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। तो बोल रहा है कि द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा हम लोग को 5WL टू द पावर 4/384 EI एंड लाइज एट द सेंटर ऑफ द बीम 214। देखिए यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू का यूज किया गया, तो आप बोलिएगा आप तो बताए थे 5WL³/384 EI, लेकिन मैंने आपको बार बार बोला है, मैं जो भी बताया हूँ मैं कैपिटल डब्ल्यू के केस में बताया हूँ, डब्ल्यू इक्वल टू होता है डब्ल्यू इंटू वेट पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू इंटू स्मॉल इंट डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा। तो अगर कैपिटल में चेंज कीजिएगा तो इस ये स्मॉल में चेंज किया तो वही आएगा 5WL 4/384 EI।
ठीक, तो ये उत्तर जो हम लोग का सही हो जाएगा 249 का ए नंबर। ठीक, टू फिफ्टी आइए, देखिए रेशियो पूछ रहा था इसमें, बोला द सिंपली सपोर्ट बीम ऑफ लेंथ ए ऑफ बीम ए ऑफ लेंथ एल कैरीज अ सेंट्रल लोड डब्ल्यू, अनदर बीम बी इज लोडेड विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सच दैट द टोटल लेंथ टोटल लोड ऑन द बीम इज डब्ल्यू, द रेशियो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। देखिए दो केस लिया गया, दो बीम लिया है इसमें, ये बीम ए है, दोनों सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, ये बी है। एक में बोला है कि पॉइंट लोड सेंटर पर डब्ल्यू, एक में बोला है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो बोला है रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का रेशियो पूछा दोनों के बी में, दोनों दोनों के बीम में जो डिफ्लेक्शन होगा मैक्सिमम उसका रेशियो हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसमें मैं क्या मैंने इसमें क्या बताया था, सिंपली सपोर्टेड बीम सेंट्रल में डब्ल्यू एल की अपॉन 48 ई आई। ठीक, यही चीज था। और इसमें मैंने क्या बताया यूडीएल में, अभी मैंने बताया 5 WLQ/384 ई आई। ए और बी का रेशियो चाहिए, दोनों को कैंसिल यहीं से कर देते हैं, WLQ कैंसिल हो जाएगा, 48 कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 48 कैंसिल आउट हो जाएगा कितने बार में, 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, 48 × 8 8 8 64 4 4 32 34 हाँ 6 बार में कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, 8 बार में सॉरी 8 ई आई भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या बच रहा है 5/8, ये हम लोग का हो रहा है 5/8, क्योंकि ए ए टू बी का पूछा है तो ए ऊपर रहेगा हम लोग का, ए ऊपर रहेगा और ये नीचे आ जा रहा है हम लोग का, ए टू बी अगर देखिएगा तो ए में तो कुछ नहीं बचा मतलब 1 और नीचे बच गया 5/8, तो 8 ये जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये आंसर होगा हम लोग का 8/5 होगा बी नंबर, ये ध्यान से टेक कीजिएगा। ठीक, हम लोग का रेशियो पूछा ए टू बी में, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 8:5 है, 5:8 नहीं मार दीजिएगा गलत हो जाएगा हम लोग का। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड आए 251 नंबर, बोला द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन शुरू हो गया है, सिंपली सपोर्टेड बीम का खत्म हो गया है, उतना ही क्वेश्चन था, बाकी जो मैंने बताया उससे आपका कवर हो जाएगा पूरा। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल विथ अ पॉइंट लोड डब्ल्यू एट द फ्रेंड, बोल रहा है क्या कोई एक हम लोग का कैंटिलीवर बीम है वो फ्री एंड पे जो है डब्ल्यू लोड लग रहा है, उस कंडीशन में हम लोग का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया हुआ डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 EI, सिंपल WLQ/3 EI फर्स्ट नंबर जो हम लोग का सही उत्तर है ए नंबर। ए नेक्स्ट 252 बोला द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में पूछा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में मैंने क्या बताया WLQ/8 EI। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है वे आर डब्ल्यू इक्वल टू W इंटू एल, चूंकि यहाँ पर W पर यूनिट लेंथ लिखा है इसलिए यहाँ पर नीचे कंडीशन दिया है W इक्वल टू W इंटू एल, तो इसलिए मैं बार बार बोला था आप लोग जो है गलती मत कीजिएगा, वो कैपिटल W दिया हुआ है स्मॉल W दिया हुआ है देख करके एग्जाम में टिक लगाइएगा, तो हम लोग का WLQ/8 EI इसका जो है सही उत्तर होगा 252 का बी नंबर। आइए नेक्स्ट 253 बोला इन अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लाइज एट द फिक्स्ड एंड, बोल रहा है क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है कैंटिलीवर बीम के केस में, तो बोल रहा है जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या फिक्स्ड एंड पे होगा, तो नहीं ये नहीं फिक्स्ड एंड पे कभी नहीं इसका डिफ्लेक्शन होगा, फिक्स्ड एंड कब केस में कब होगा फिक्स्ड एंड ये है बोल रहा है फिक्स्ड एंड के केस में कभी नहीं होगा, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो होगा थ्रू आउट द लेंथ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, क्योंकि हम लोग का लोड जो है टोटली जो है पूरा में हम लोग का एक समान लग रहा है, तो यहाँ पर जो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये बी नंबर। 254 आई, दो कंडीशन दिया हुआ कैंटिलीवर बीम के केस में ए और बीम बीम ए और बीम बी, देखिए यहाँ पर यूडीएल, ये यूडीएल का केस है और ये पार्शियल यूडीएल केस जो मैंने बताया था पार्शियल यूडीएल, दोनों का रेशियो पूछा है
इस कंडीशन में क्या था हम लोग का, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ए टी आई, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ए टी आई। और पार्शियल यूडीएल के केस में, पार्शियल यूडीएल के केस में, पार्शियल यूडीएल के केस में क्या था, सेवन डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 384 ई आई, 384 ई आई। ये भी बार बार आप लोग का ध्यान देने का यहाँ पर बात है, यहाँ देखिएगा हमेशा कि ए इज टू बी में ही दिया हुआ, बी इज टू ए में देगा तो वो चेंज हो जाता है रेशियो, तो ये ध्यान दें। तो ए टू द बी में बी पूछा है, ये ए का है ये बी का है, तो ए इज टू बी करेंगे हम लोग, ए इज टू बी निकालेंगे, ए इज टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ए टी आई। अब चूंकि बी है ये उल्टा हो जाएगा हम लोग का वहां पर, 384 ई आई बाई सेवन डब्ल्यू एल क्यू, सेवन डब्ल्यू एल क्यू, ये डब्ल्यू एल क्यू कैंसिल हो जाएगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 32 6 8 64 ये ई आई, ई आई भी कैंसिल, तो 48/7। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 48/7 है, डी नंबर, डी नंबर जो हम लोग का सही उत्तर होगा। आए नेक्स्ट 255 में, यहाँ पर लोड दिया है हम लोग का फ्री एंड पे और यूडीएल का केस दिया है, तो इस कंडीशन में फिर पूछा ए टू द बी का रेशियो, तो इस कंडीशन में क्या होता है हम लोग का, डब्ल्यू एल क्यू बाई क्या बताया था, 3 ई आई। और इस कंडीशन में अभी आप हम लोग ने देखा 48 ई आई, तो 8 ई आई, यूडीएल का केस में 8 ई आई बाई डब्ल्यू एल क्यू, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 8/3, जो कि हम लोग का बी नंबर सही उत्तर है, 255 का जो हम लोग का बी नंबर सही उत्तर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 256 देखते हैं, 256 देखते हैं क्या बोल रहा है। A cantilever beam of length L carries a gradually varying load from zero at free end and W per unit length at the fixing beam. तो बोला the maximum deflection lies at the, देखिए uniformly varying load का केस में पूछा है, ये हम लोग का जो बीम है ये फिक्स है एक तरफ कैंटिलीवर बीम, आप लोग जान रहे हैं, ये हम लोग का यूडीएल लगा हुआ है यहाँ पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बोल रहा है कि जीरो एट द फ्री इंड है और डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ लग रहा है फिक्स्ड इंड पे, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ फिक्स्ड इंड पे लग रहा है, तो उसके अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम लोग का फ्री इंड पे होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम लोग कहाँ पे होगा, फ्री इंड पर होगा। 257 बोला द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर अ गिवन बीम नंबर, क्वेश्चन 256 में, 256 में किसने पूछा था, यूडीएल केस में, यूडीएल के केस में हम लोग का पूछा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या हुआ। अब यहाँ देखिए स्मॉल डब्ल्यू के केस में दिया हुआ, तो ये नहीं आपके डब्ल्यू एल क्यू ही मार दिया जाएगा ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा, ये हम लोग का ऑप्शन आया सही, डब्ल्यू एल टू दी पावर 4/30 ई आई, डब्ल्यू एल टू दी पावर 4 अपॉन 30 ई आई। इसी को अगर कैपिटल डब्ल्यू केस में लिखे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 30 ई आई, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना, इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, डब्ल्यू एल टू दी पावर 4 अपॉन 30 ई आई। 258 नंबर आइए, बोला द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम का आ गया, देखिए सिंपली अब कैंटिलीवर बीम खत्म हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम खत्म हो गया, अब हम लोग का जो क्वेश्चन है फिक्स्ड बीम के केस में आया है, दोनों तरफ जो हम लोग का सपोर्ट जो है फिक्स्ड रहता है उसको हम लोग फिक्स्ड बीम बोलते हैं। तो बोल रहा द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए फिक्स्ड बीम कैरिंग अ सेंट्रल लोड, डब्ल्यू दिया है सेंटर लोड पे, तो पूछ रहा है कि डिफ्लेक्शन जो है हम लोग का कहाँ पर होगा, तो डिफ्लेक्शन हम लोग कहाँ पर होगा, जहाँ जो हम लोग का लोड रहता है अगर सेंटर पे, तो सेंटर पे ही हम लोग का जो है डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। बोला द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए फिक्स्ड बीम ऑफ लेंथ एल कैरिंग अ टोटल लोड डब्ल्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल लेंथ, होल लेंथ पर हम लोग का यूडीएल लगा हुआ है, उस केस में पूछा गया है हम लोग का डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो सेंटर पे मैंने बताया था डब्ल्यू एल क्यू अपन 192 ई आई, ये सेंटर पर लोड लगेगा तब था, और डब्ल्यू एल क्यू अपन 384 ई आई ये मैंने बताया था, ये यूडीएल केस में, और ये जो है सेंटर पे जब लोड लगेगा उस केस में था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, डब्ल्यू एल क्यू अपन 384 ई आई।
अगर ये टिक मारें गलती हुआ, ये टिक मारना कब, जब लोड जो है आपका सेंटर पे रहेगा, तो उसके लिए सी नंबर जो उत्तर सही होगा। इसके लिए जो है हम लोग 260 के लिए डी नंबर जो हम लोग का सही उत्तर है। 261 नंबर देखिए, फिक्स्ड बीम का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है यहाँ पर फिक्स्ड बीम दिया हुआ है यूडीएल केस में, और फिक्स्ड बीम दिया हुआ हम लोग का सेंटर के केस में, डब्ल्यू जो है सेंटर पे लग रहा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा ए टू बी के केस में। देखिए अभी मैंने दोनों बताया, इस केस में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 384 ई आई। और इसके केस में क्या, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 192 ई आई बाई डब्ल्यू एल क्यू। कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 192 कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, दो बार में, तो 1/2 हम लोग का सही उत्तर जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, 262 नंबर बोल रहा, द प्रोडक्ट्स ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड मोमेंट ऑफ है, जो बार बार हम ई आई लिख रहे हैं यहाँ पर, जो बार बार हम ई आई लिख रहे हैं नीचे, हैं यंग्स मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, सी नंबर, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। और बाकी जो ऑप्शन है, मॉडुलस रिजिडिटी मैंने बताया शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेस, बल्क मॉडुलस मैंने बताया के इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, टॉर्सनल रिजिडिटी टी बाई थीटा भी जो हम लोग का आएगा अगले क्वेश्चन में, है ना। 263 नंबर बोल रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ ए, बीम ए ऑफ लेंथ एल, ब्रेथ बी, डेप्थ डी, कैरीज अ लोड डब्ल्यू। बोल रहा है कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, एल जो एल लेंथ है, बी ब्रेथ है, डेप्थ डी है, लोड जो है सेंटर पे है डब्ल्यू। अनदर बीम भी बोला है, अनदर बीम बी है, इस केस में हम लोग का सेंटर पे ही लोड है लेकिन 2W है। बी बी का पूछा डिफ्लेक्शन कंपेयर टू ए, देखिए ए में बराबर बोला था, ये देखना ए टू बी यहाँ नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है बी टू ए, तो वो चीज़ यहाँ पे बार बार ध्यान देना है। देखते हैं तो इस केस में हम लोग का डिफ्लेक्शन क्या होता है सेंटर के, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 ई आई, सिंपली सपोर्टेड बीम में ही होता है। लेकिन बी टू ए पूछा है, बी का पहले लिखेंगे ए का बाद में लिखेंगे, बी का देखिए डब्ल्यू जो है हम लोग यहाँ पर 2W है, तो इस डब्ल्यू केस हम लोग 2 लगाएंगे, ना कि सिर्फ डब्ल्यू लगाएंगे क्योंकि ट्वाइस है, तो 2W LQ अपॉन 48 ई आई मल्टीप्लाई 48 ई आई बाई WLQ, ये कैंसिल, ये 48 48 कैंसिल, तो इस क्या जाएगा, डबल हो जाएगा आंसर हम लोग का, कितना रहा, डबल आ रहा, बी जो है ए से कितना है, तो डबल है हम लोग का, 263 का जो है सी नंबर हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट, 264 नंबर में उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम ए ऑफ लेंथ एल, ब्रेथ बी, डेप्थ डी, कैरीज अ सेंटर लोड डब्ल्यू, अनदर बीम बी हैज द सेम लेंथ एंड डेप्थ बट इट्स ब्रेथ इज डबल। बोल रहा है ए बीम में एल तो सेम है, बी भी सेम है, डी भी सेम, लेकिन बी के केस में देखा जाए तो लेंथ वही है, डेप्थ भी वही है, लेकिन ब्रेथ डबल किया गया, 2B कर दिया गया। उस केस में हम लोग का कंपेरिजन पूछा गया है कि जो है डिफ्लेक्शन क्या होगा। इस केस में क्या देखिए, WLQ अपॉन 48 ई आई, और मोमेंट ऑफ इनर्सिया हम लोग क्या हो जाता है रेक्टेंगुलर केस में, BDQ बाई 12। देखिए क्या, WLQ अपॉन 48 E into BDQ बाई 12, तो 12 हम लोग ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये तो सेम एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन अगर इस कंडीशन में देखें तो ब्रेथ हम लोग का डबल किया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, WLQ into 12 by 48 into E into ब्रेथ डबल है, तो हम लोग 2B into DQ लिखेंगे। अब पूछा है बी, पूछा है ए के कंपेरिजन में, बी का पूछा है ए के कंपेरिजन में, तो जस्ट अगर इसका उल्टा कर देंगे, मतलब इसको अगर पूरा डिवाइड में लाएंगे, तो हम लोग का ये जो 2 है हम लोग का नीचे ही रहने वाला, चूंकि 1/2 में है, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2। ठीक, ये ध्यान देना है। अब फिर उसी में है,
वही क्वेश्चन है 265, डेप्थ इस बार डबल किया है, इस बार इसका जो है डेप्थ डबल किया है और पूछा क्या, तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम होगा वो डबल होगा एज कंपेयर टू बीम ए। जब डेप्थ को डबल करेंगे तो क्या हम लोग का बीम ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम जो है डबल होगा? तो नहीं, देखिए चूंकि हम लोग जान रहे हैं बी डी क्यू बाई 12 होता है, तो बी को ट्वाइस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हाफ होगा या फिर ट्वाइस होगा एज बी टू ए पूछा या फिर ए टू बी पूछा। लेकिन यहाँ पर डेप्थ डबल किया डी को, तो अगर डेप्थ को डी को डबल किया तो ये डी पर पावर क्यू है, तो टू पर पावर क्यू, टू टू जा एट हो जाएगा, एट टाइम्स। लेकिन यहाँ डबल ही बोला था इसलिए इसका जो है आंसर रॉन्ग हो जाएगा, 265 का बी नंबर। 266 नंबर, देखिए इसमें लेंथ में चेंज किया है, इस कंडीशन में यहाँ पर लेंथ एल है, यहाँ पर लेंथ टू एल है बीम बी में, तो इसमें पूछा डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो है क्या हो जाएगा दोनों बीम में। तो देखिए डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 384, सॉरी 48 ई आई, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा डब्ल्यू इंटू टू एल क्यू अपॉन 48 ई आई, क्योंकि हम लोग का लेंथ हम लोग का यहाँ पर डबल कर दिया गया है, लेंथ हम लोग का यहाँ पर डबल कर दिया है, टू डब्ल्यू इंटू 8 एल क्यू अपॉन 48 ई आई। अब देखते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पूछा है एज कम्पेयर टू ए, तो बी को हम लोग ऊपर रखेंगे, डब्ल्यू इंटू 8 एल क्यू अपॉन 48 ई आई इंटू 48 ई आई बाई डब्ल्यू एल क्यू, कैंसिल आउट कर दीजिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 8 टाइम्स डी नंबर जो हम लोग का सही उत्तर होगा, 8 टाइम्स जो है इस कंडीशन के लिए सही उत्तर होगा हम लोग का 266 का डी नंबर। 267 नंबर देखिए क्या बोला, फिक्स्ड बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में बोला। अब देखिए यहाँ कंपेरिजन ए और बी के केस में पूछा, ये कंपेरिजन देखना बहुत जरूरी है कि ए से बी में पूछा या बी से ए में पूछा है, तो यहाँ पर ए से बी के बी में पूछा है, तो इसके केस में क्या हो जाता है, सेंटर पर अगर लोड है तो डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 192 ई आई, और इसका क्या होता है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 ई आई, कैंसिल आउट कर दीजिए, ये चार बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/4 में 1/4 आ रहा, सॉरी 1/4 1/4 जो है हम लोग करेक्ट उत्तर हो जाएगा 267 का। आइए नेक्स्ट देखिए, ये जो है लास्ट है, इसका कंक्लूजन दिया पूरा इसी में आपको पता लग जाएगा कि आपको जो है सही समय समझ में आया है कि नहीं। देखिए पहला पूछा है कैंटिलीवर केस, कैंटिलीवर बीम के केस में जो कि फ्री एंड पर डब्ल्यू दिया हुआ, तो उस केस में मैंने क्या बताया डब्ल्यू एल क्यू अपन 3 ई आई, तो ये ए नंबर हो जाएगा इसका। अब दूसरा में पूछा है, ये भी कैंटिलीवर बीम है यूडीएल केस में, तो डब्ल्यू एल क्यू अपन 8 ई आई। अब देखिए इसमें पूछा है सेंटर पे यहाँ पर लोड रखा गया सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, तो उस केस में मैंने क्या बताया डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 ई आई, सी नंबर। फिर से देखते हैं, ये दिया यूडीएल के केस में सिंपली सपोर्टेड बीम में, यूडीएल केस सिंपली सपोर्टेड बीम में UDL केस है सिंपली सपोर्टेड बीम में 5 डब्ल्यू एल क्यू अपन 384 डी नंबर, ठीक। अरे नेक्स्ट फिक्स्ड बीम है और वो भी सेंटर लोड, तो डब्ल्यू एल क्यू अपन 192 ई आई, ठीक। बाकी जो एक बच गया पर डब्ल्यू एल क्यू बाई 384 ई आई फिक्स्ड बीम में UDL के केस में एफ नंबर, ठीक। तो इस तरीके से ये इसका जो है सही उत्तर होगा सभी लोग का, ठीक। एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिवाइज कर दूँ आपको, जरा इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड बीम W है जो लोड हम लोग का फ्री एंड पे, तो डब्ल्यू एल क्यू बाई जो है हम लोग का क्या हो जाएगा 3 ई आई, सी नंबर। और UDL यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में कैंटिलीवर बीम में W एल क्यू बाई 8 ई आई। और फिर हम लोग का है सिंपली सपोर्टेड बीम सेंटर लोड पे, हम लोग का क्या हो गया डब्ल्यू एल क्यू बाई 48 ई आई, किसमें है ई नंबर W एल क्यू बाई 48 ई आई। फिर देख रहे हैं हम लोग UDL के केस में हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसका क्या है 5 डब्ल्यू एल क्यू बाई 38 384 ई आई।
अब फिक्स्ड बीम का क्वेश्चन पूछा, फिक्स्ड बीम सेंटर लोड में, तो डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 192 EI, और फिक्स्ड बीम का केस है UDL के केस में, तो डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 384 EI। यहाँ पे जो है डिफ्लेक्शन हम लोग का खत्म होता है। अब हम लोग का जो शुरू होता है हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग का अब शुरू होता है टॉर्सनल इक्वेशन से हम लोग का यहाँ पे शुरू होगा। देखिए 269 नंबर, तो बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट दैट इज रेडियस ऑफ शाफ्ट इज नोन एज ट्विस्टिंग मूवमेंट। क्या हो जाएगा? ट्विस्टिंग मूवमेंट हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट 270 बोल रहा है व्हेन अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मूवमेंट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विल बी अंडर। देखिए जब भी ट्विस्टिंग मूवमेंट आ रहा, जब ट्विस्टिंग मूवमेंट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या है, टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होगा शाफ्ट और उसके डिस्टेंस के बीच में, तो टेंजेंशियल फोर्स किसमें मैंने बताया था, शियर स्ट्रेस में, वो ध्यान दीजिएगा। शियर स्ट्रेस का शियर फोर्स जो लगता है किसमें लगता है, तो वो हम लोग का टेंजेंसी लगता है, वो भी ट्विस्टिंग मूवमेंट का केस पूछा, तो शियर स्ट्रेस इसका जो है क्लियर उत्तर सी नंबर जीरो। हम लोग क्या बोला, द शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्शन इज, तो सेंटर पे जो है हम लोग का सेंटर पे जो है ये जीरो हो जाएगा, शियर स्ट्रेस सेंटर पर जीरो हो जाएगा, सर्कमफेरेंस पर मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे जो हम लोग का इधर जो है मैक्सिमम बढ़ते जाता है सर्कमफेरेंस पे, तो शियर स्ट्रेस पूछ रहा सेंटर पे केस में इस पर, तो ये हम लोग का जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बोला शियर द शियर स्ट्रेस एट द आउटरमोस्ट फाइबर ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट, आउटरमोस्ट कहने का मतलब सर्कमफेरेंस पे, तो मैक्सिमम हो जाएगा। द टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट, टॉर्सनल रिजिडिटी है मैंने बताया टी बाई थीटा जो है हम लोग का टॉर्सनल रिजिडिटी कहलाता है, टी बाई थीटा जो है हम लोग का टॉर्सनल रिजिडिटी कहलाता है, 273 का बी नंबर जो है करेक्ट। एंड नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्सन द शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट वेरीज फ्रॉम, मैंने अभी बताया कि सेंटर पे जो हम लोग का जीरो रहेगा और सर्कमफेरेंस पे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसका जो सी नंबर देखिए जीरो एट द सेंटर टू मैक्सिमम एट द सर्कमफेरेंस, ये जो हम लोग का सी नंबर 274 का सी नंबर सही होगा। 275 देखिए द टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ शाफ्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय द टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ट्विस्ट रेडियन पर यूनिट लेंथ ऑफ अ शाफ्ट, तो ये ट्रू है। बोला टॉर्सनल रिजिडिटी, टॉर्सनल रिजिडिटी मैंने क्या बताया टी बाई थीटा, ये बताया ना टॉर्सनल रिजिडिटी मैंने क्या बताया टी बाई थीटा, थीटा क्या है, थीटा हम लोग का क्या रेडियन पर यूनिट यही तो है एंगल जितना हम लोग का टर्न कर रहा है, तो बोल रहा है क्या है ट्विस्ट ऑफ वन रेडियन पर यूनिट ऑफ अ शाफ्ट, तो वही तो है टॉर्सनल रिजिडिटी। आइए नेक्स्ट बोला 276 फॉर अ शाफ्ट शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज डैश द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, चूंकि हम लोग का शियर स्ट्रेस क्या होता है जीरो हो जाता है सेंटर पे, मैक्सिमम हो जाता है सर्कमफेरेंस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। 277 बोल रहा है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, 277 नंबर बोल रहा है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का, तो इसका जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया होता है पाई टू द पावर 4/32, अगर इसी में ये तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया पूछा है, तो हम लोग πd^4/32, सिर्फ अगर पोलर मॉडुलस पूछे तो हम लोग का πd^3/16 है, ये पोलर मॉडुलस, सिर्फ अगर पोलर मॉडुलस पूछे तो। ठीक, आइए 278 बोल रहा था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए, तो हॉलो के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πd^32 × d^4 − d^2 बोल रहा टॉर्सनल इक्वेशन क्या होगा, टॉर्सनल इक्वेशन होता है टी बाई जे इक्वल टू टॉ बाई आर इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल, देख लीजिए कि इसमें है ए नंबर तो नहीं है, ये तो बेंडिंग इक्वेशन है, ये बी नंबर हम लोग का सही होगा, टी बाई जे इक्वल टू टॉ बाई आर इक्वल टू सी थीटा या जी थीटा बाई एल, जो भी आप लिखते हैं। बोल रहा टॉर्क ट्रांसमिटेड क्या हो जाएगा, टॉर्क ट्रांसमिटेड हम लोग का सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट में π/16 × τ × d^3 टॉर्क ट्रांसमिटेड जो है सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट में पूछा गया क्या होगा π/16 × τ × d^3। आइए नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, बोला टू सॉलिड शाफ्ट ए एंड बी आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल से बना हुआ दो सॉलिड शाफ्ट लिया गया ए और बी के केस में, बोल रहा है द शाफ्ट ए इज 50 mm डायमीटर, द शाफ्ट ए इज ऑफ 50 mm डायमीटर एंड शाफ्ट बी इज 100 मीटर डायमीटर, तो पूछा स्ट्रेंथ क्या होगा बी
ए के कंपैरिजन, मतलब बी और ए का अगर हम लोग टॉर्स, पिछला क्वेश्चन क्या पूछा था, टॉर्क ट्रांसमिटेड जो है हम लोग अगर निकाल दे, वही तो स्ट्रेंथ होता है, टॉर्क ट्रांसमिटेड ही कोई भी शाफ्ट का हम लोग का स्ट्रेंथ होता है, तो हम लोग बी इज टू ए का अगर रेशियो हम लोग निकाल दें तो हम लोग का पता चल जाए कि हम लोग का स्ट्रेंथ जो है कितना ज़्यादा है एक दूसरे से। देखिए तो हम लोग टॉर्क ट्रांसमिटेड क्या जान रहे हैं, टी इक्वल टू पाई बाय 16 इंटू टॉ इंटू डी टू दी पावर क्यू, ये ए के केस में, ए के केस में क्या हो जाएगा हम लोग का पाई बाय 16 इंटू टॉ इंटू, ए के केस में 50 है तो 50 क्यू लिख देंगे, बी के केस में क्या हो जाएगा पाई बाय 16 इंटू टॉ इंटू 100 का क्यू हो जाएगा। ठीक, यही हो जाएगा। आप दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, बी टू ए का निकालेंगे तो बी पहले लिख रहे हैं पाई बाय 16 इंटू टॉ इंटू 100 का क्यू बाय पाई बाय 16 इंटू टॉ इंटू 50 का क्यू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखते हैं 100 अपॉन 50, 100 क्यू बाय 50 का क्यू, 100 इंटू 100 इंटू 100 बाय 50 इंटू 50 इंटू 50, देखिए दो दो बार में कट जाएगा तो क्या आया 8 टाइम्स, ये हम लोग का डी नंबर इसका जो है हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा बी टू ए। अगर ए टू ए पूछता तो 1:8 हो जाता, जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ ये ध्यान देना है, बी टू ए पूछा है, अगर ए टू बी पूछता तो 1:8 हो जाता, मतलब 1:8 हो जाता उसका, इसमें क्या हो जाएगा 8 टाइम। ये नेक्स्ट, हाँ बोल रहा है इसमें इन द टॉर्सनल इक्वेशन जो कि टी बाई जे इक्वल टू टॉ बाई आर इक्वल टू सी थीटा बाई एल, तो जो टर्म हम लोग का जे बाई आर है, जो टर्म इस आर को हम लोग क्या कर दिया, यहाँ ला दिया है जे बाई आर, इस कंडीशन में बोल रहा है कि जो जे बाई आर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो मैंने बताया था आपको पोलर मॉडुलस। ठीक, यहाँ पे आ गया, मैंने आपको पहले बताया कि पोलर मॉडुलस ऑफ सॉलिड सर्फेस शाफ्ट क्या हो जाएगा, पाई डी क्यू अपॉन 16 जो हम लोग का पोलर मॉडुलस है, पोलर मॉडुलस, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग का पाई डी टू द पावर 4/32 होता है, लेकिन पोलर मॉडुलस होगा तो पाई डी क्यू अपॉन 16 होगा। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन थे इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। ठीक, 16 और 32 में लोग कन्फ्यूजन आते हैं, डी क्यू डी टू पावर 4 में कन्फ्यूजन आते हैं, तो ये ध्यान देना कि पोलर मॉडुलस पूछा गया है या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, वो चीज़ ध्यान देना। देखिए 284 क्या बोल रहा था, पोलर मॉडुलस ऑफ ए हॉलो सर्कुलर ऑफ आउटर डायमीटर डी एंड इनर डायमीटर डी इज, तो इसका उत्तर जो है हम लोग का पाई बाय 16 डी टू पावर 4 माइनस डी टू पावर 4 बाय डी, ये ध्यान दीजिएगा हॉलो के केस में, और ये हम लोग का सॉलिड केस, सॉलिड केस में पाई डी पावर क्यू बाय 16 हो रहा है, और यहाँ पर हॉलो केस में पाई डी डी टू पावर 4 हो रहा है, ये चीज़ ध्यान देना है, आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा। 285 बोल रहा है टॉर्क ट्रांसमिटेड हॉलो सिलेंडर के केस में, टॉर्क ट्रांसमिटेड हम लोग क्या हो जाएगा, ऐसे तो हम लोग जान रहे क्या होता है पाई बाय 16 टॉर्क डी क्यू होता है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हॉलो केस में डी टू द पावर 4 हो जाता है, तो हम लोग का सी नंबर जो है इसका सही होगा पाई बाय 16 इंटू टॉ डी टू पावर 4 माई स्मॉल डी टू पावर 4 बाई आउटर आउटर डायमीटर जो हम लोग कैपिटल डी। ठीक, लेकिन अगर ऐसे टॉर्क ट्रांसमिट देखें सॉलिड सर्कुलर का तो पाई बाय 16 इंटू टॉ इंटू डी क्यू, जो मैंने इसे आपको न्यूमेरिकल भी इसके पहले क्वेश्चन में बताया है इसे। अब देखिए बोल रहा है अ शाफ्ट रिवॉल्विंग एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड ट्रांसमिट टॉर्क टी इन न्यूटन मीटर द पावर, पावर डेवलप्ड हम लोग का टी इंटू ओमेगा होता है, पावर डेवलप जो होता है टी इंटू ओमेगा होता है, जहां ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन अपॉन 60, ये चीज ध्यान देना है। ठीक, आई देखिए 287 नंबर क्या बोल रहा है, टू शाफ्ट ए एंड बी, दो शाफ्ट है ए और बी, ट्रांसमिट द सेम पावर पी ए इक्वल टू पी बी है, स्पीड दिया हुआ है एन इक्वल टू हम लोग का 250 और यहाँ एन जो दिया हुआ है 300, पी ए इक्वल टू पी बी दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग 2 पाई एन टी बाई 60
इक्वल टू 2 पाई एन टी, ये ए कर देते हैं, ये बी कर देते हैं, टॉर्क जो है हम लोग का, क्योंकि यही निकालना है। इसी से हम लोग का डायमीटर पता चल जाएगा कि बी का जो डायमीटर है बड़ा है कि नहीं। देखिए आइए आप देखते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई 2 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या एन दिया हुआ हम लोग का, ये 250 टी ए इक्वल टू 300 टी बी। यहाँ से क्या निकल गया है, टी ए इक्वल टू 300 बाई 250 इंटू टी बी, जो कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ पे क्या निकल के आया, जो टी ए इक्वल टू है हम लोग का 1.2 टाइम्स इंटू टी बी है। यहाँ से हम लोग क्या निकल के आया है कि जो टॉक ट्रांसमिटेड ए का है वो मतलब कि लगभग 1.2 टी बी है, इसका मतलब जो टी ए का जो डायमीटर है वो बड़ा होगा बी के डायमीटर से, इसीलिए यहाँ पर जो है टी ए का जो हम लोग का टॉक ट्रांसमिटेड है ए के केस में वो ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, साफ्ट बी हैज ग्रेटर डायमीटर, नहीं तो गलत है, यहाँ पर साफ्ट ए का जो डायमीटर है वो सही होगा, वो मतलब कि ज़्यादा होगा बी के डायमीटर, तो इसका जो 287 का फॉल्स हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, चलिए 288 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर बोल रहा है टू साफ्ट ए एंड बी हैव द सेम मटेरियल, द साफ्ट ए इज सॉलिड ऑफ डायमीटर 100 mm, द साफ्ट बी इज हॉलो विद द आउटर डायमीटर 100 mm एंड इनर डायमीटर 50 mm, द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाई साफ्ट बी एज दैट ऑफ ए। बी टू ए पूछा है ना कि ए टू बी, पहले तो ये ध्यान देना है। बोल रहा दो साफ्ट है ए और बी, एक है हम लोग का सॉलिड, ए जो साफ्ट है हम लोग का सॉलिड है, बी जो है हम लोग का हॉलो है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 100 mm, इसका आउटर डायमीटर दिया हुआ 100 mm, इसका इनर डायमीटर दिया हुआ है 50 mm, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको हम लोग न्यूमेरिक को हटा देते हैं यहाँ पर, ताकि हम लोग का जो है सॉल्यूशन इजी तरीके में हो जाए। यहाँ पर d इक्वल टू d लिख सकते हैं, चूंकि 100 mm 100 mm बराबर है, इसको भी d इक्वल टू d बाई 2 करते हैं, सबको कैपिटल D के टर्म में लिख दिया मैंने, चूंकि 50 mm है 100 mm का आधा है, तो d बाई 2 इसको हम लिख सकते हैं। तो टॉर्क ट्रांसमिशन जो है एक केस में जो कि सॉलिड है क्या होता है, पाई बाई 16 इंटू टॉ इंटू डी टू दावर क्यू, और इसके केस में क्या हो जाएगा टी ए टी बी, टी बी इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 16 टू टॉ इंटू डी टू दावर 4 माइनस इनर डायमीटर टू दावर 4 बाई डी, ये हम लोग का हॉल होगा था। अगर यहाँ पर इक्वेशन को कंप्लीट करता हूँ मैं, पाई बाई 16 इंटू टॉ इंटू डी टू दावर 4 माइनस कैपिटल स्मॉल इनर डायमीटर को क्या लिखते हैं डी बाई 2 टू दावर 4 बाई डी, ठीक। अब बोल रहा है बी टू ए का रेशियो निकालने के, बी टू ए का रेशियो निकालने के लिए तो टी बी बाई टी ए निकालते हैं हम, चलिए ये देखते हैं टी बी बाई टी ए, ये देखिए पाई बाई 16 टॉ, पाई बाई 16 टॉ कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का डी टू दी पावर 4 माइनस डी बाई 2 टू दी पावर 4 बाई डी टू डी क्यू, ये चीज बच गया है, डी टू दी पावर 4 माइनस डी टू दी पावर 4 बाई 16 टू दी पावर 4 16 हो जाएगा बाई डी इंटू 1 बाई डी क्यू। तो यहाँ पर d टू दावर 4 कॉमन ले लेने से क्या हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस 1 बाई 16 और इंटू ये d टू दावर क्यू और ये d हम लोग का क्या हो जाएगा d टू दावर 4, तो ये d टू दावर 4 ये d टू दावर 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 16 कितना होता है हम लोग का 15 बाई 16, तो इसके लिए जो हम लोग का डी नंबर जो हम लोग का सही उत्तर होगा
15/16। अगर इसको न्यूमेरिकल लेके बनाते हैं तो फिर कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है, एग्जाम में तो मिलता नहीं कैलकुलेटर, तो उसका ध्यान रखना है वो सब की चीज़ भी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज तो थोड़ा लंबा लेक्चर चला गया, बाकी का जो क्वेश्चन है कैरी ऑन आगे करूँगा आगे के लेक्चर के लिए। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।